इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया है, समकोण है एबी बराबर 29 और बीसी बराबर 21 है और कोण एबीसी बराबर थीटा दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सबसे पहले त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, इसमें एबी 29 दिया है और बीसी 21 दिया है। इसमें से लंब निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर, एसी को लंब मान लेंगे तो अंडर रूट एबी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। हमको पता है कि लंब का, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट ए बी का मान दिया है 29, 29 का स्क्वायर माइनस बी सी 21, 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हो जाएगा, माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। आठ सौ इकतालीस में से 441 घटाएंगे, 400 बचेगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 20 आ जाएगा। हमारा एसी निकल गया 20। अब पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहला ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बराबर थीटा दिया है, ये वाला कोण जो है वो थीटा है, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा बी, मतलब बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा पी बाई एच, लंब बटे कोण होता है तो पी हो जाएगा ए सी बटा ए बी का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा बी सी बटा ए बी, बी सी 21 दिया है, ए बी 29, 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर और प्लस में ए सी, ए सी का मान 20 है और बटा ए बी 29, 20 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का स्क्वायर करेंगे 441 बटा 29 का स्क्वायर करेंगे 841 होगा, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा और 29 का स्क्वायर 841। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 841 हो जाएगा, एक बार में 441 प्लस ये 841 से कम, 841 तो 400। अब 441 और 400 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 841 बटा में 841, 841 से 841 कट जाएगा, वन आंसर है। अब बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोगों को पता है 21 बटा 29, कॉस थीटा का मान ऊपर अभी निकाले हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 का 441 बटा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 841 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो
तो नीचे 841 होगा और ऊपर 441 माइनस 400 बराबर हो जाएगा 41/841। इकतालीस बटे आठ सौ